तो यार बात कुछ ऐसी है कि आज हम करने वाले हैं कंपेयर अपनी i11 को अपनी i12 के साथ में, और ऐसे में देखेंगे क्या है इन दोनों में डिफरेंस, किसकी साउंड क्वालिटी बेटर है, क्या है इन दोनों की प्राइस, क्या है इसके अंदर और डिफरेंस, किसका क्या साइज है, और ऐसे में ऑल ओवर मैं आपको बताऊंगा कौन सी आप लोगों को बाय करनी चाहिए। तो यार मेरा नाम है इम्तियाज, आप देख रहे हो टेक की दुकान, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू करूंगा यार जिसने भी अब तक किया चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यार आज आप लोगों की वजह से मुझे रिसीव हो गया अपना गूगल एडसेंस का पिन। तो यार दिल से थैंक यू आप लोगों का, और ऐसे में यार आप में से कोई नया है तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और ऐसे में अब मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता और अब बात कर लेते हैं अपने i11 और i12 की। और ऐसे में इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं यार बॉक्स की। तो बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है i11 का बड़ा, और i12 का हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है छोटा। और ऐसे में इनके बॉक्स कंटेंट्स की बात कर ली जाए तो यार बॉक्स के अंदर हमें तमाम ही चीज़ें देखने को मिल जाती है सेम एस जो छोड़ के, वो ये है कि यार i12 के अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक सिलिकॉन केस जिससे आप कर सकते हो प्रोटेक्ट अपने i12 को, जो कि यार इसके अंदर आप डाल दो और उसके बाद ये मिट्टी और स्क्रैच वगैरह से बेसिकली बच जाता है। और इसके अंदर भी यार एक कंडीशन आती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, वो यार ये है कि जो पाकिस्तानी इम्पोर्टर हैं वो नहायत ही एक तरह के दो नंबर लोग हैं, और ऐसे में वो लोग यार दो क्वालिटियाँ इम्पोर्ट करते हैं जिसके अंदर एक के अंदर तो आपको देखने को मिल जाता है केस जो कि यार एक अच्छी क्वालिटी वाले i11 है, और ऐसे में जिसके अंदर आपको केस नहीं देखने को मिलता वो बेसिकली एक जो घटिया क्वालिटी का i12 है वो है जो कि पाकिस्तानियों के डिमांड के ऊपर बनाए जाते हैं चाइना के अंदर। और उसकी वजह यार ये है कि पहली वजह तो ये है कि उसको आपको जो सिलिकॉन केस है वो नहीं देखने को मिलता, और ऑल ओवर जो क्वालिटी है वो गिरा दी जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उन्हें ये चीज़ सस्ती पड़ती है और वो बाद में इसको महंगा करके ही पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और ऐसे में आपको जो लिंक अंदर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देखने को मिल जाएगा वहाँ से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि वो मैं खुद सेल करता हूँ, और ऐसे में आप लोगों को क्वालिटी का कोई जो मसला है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो आप उधर से बाय करोगे यार तो आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए i11 की तो यार उसके अंदर हमें कोई केस नहीं देखने को मिलता, तो ये यार इसका डिफरेंस है i11 का। और अगर बाकी डिफरेंसेस की बात कर ली जाए तो यार ऑल ओवर यार बिल्कुल सेम साइज़ के अंदर ये दोनों ही आते हैं, कोई यार इनका जो साइज़ का डिफरेंस है वो हमें नहीं देखने को मिलता फिजिकली, बस यार केस का इसका डिफरेंस है बॉक्स के अंदर। और अगर बात कर ली जाए इनकी चार्जिंग पोर्ट्स की तो वो भी यार हमें सेम ही देखने को मिलती हैं, जो कि यार ये लाइटनिंग पोर्ट हमें देखने को मिलता है इन दोनों के अंदर। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए इसकी साउंड क्वालिटी और बैटरी टाइमिंग की तो यार दोनों की साउंड क्वालिटी टोटली तौर पर सेम है, आप लोगों को कोई नहीं मसला आने वाला साउंड क्वालिटी के अंदर दोनों ही। मेरी तरफ से आप दोनों में से कोई भी एक बात बाय कर लो, दोनों यार सेम क्वालिटी के अंदर आती हैं। अगर इनकी बैटरी टाइमिंग की बात कर ली जाए तो वो भी यार सेम ही हमें देखने को मिलती है, मैंने दोनों को यूज़ किया है और ऐसे में दोनों यार आती हैं तकरीबन 2.5 घंटे की टाइमिंग के साथ में, और आपको तकरीबन इसको इतना ही चार्ज करना होता है इसके केस के अंदर, और ऐसे में ये हमें बैटरी टाइमिंग इस तरह का प्रोवाइड करती हैं। तो ये यार एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इस तरह के चीप ऑप्शन के अंदर, और काफ़ी हद तक ये हमें एयरपॉड्स जैसे ही लगते हैं अगर दूर से देखा जाए तो। वैसे इसकी यार क्वालिटी भी हमें काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिलती है अगर आप बाय करते हो एक अच्छी क्वालिटी वाले i11 और i12, क्योंकि यार मैंने आपको पहले भी बताया इसके अंदर आती हैं काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए इसके ऑल ओवर व्यू की तो यार फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम है, जो क्वालिटी है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलती है। और ऐसे में अगर बात कर लीजिए हमारे एयरपॉड्स की तो यार वो भी हमें सेम ही देखने को मिलते हैं, तो वो भी यार टोटली सेम है, कानों की फिक्सिंग भी सेम है, और ऐसे में इवन के जो जेस्चर्स कंट्रोल हैं इसके जो कि आप टैप से कंट्रोल करते हो वो भी हमें सेम ही देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे में इसकी जो यार पूरी वीडियो है दोनों की वो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, तो वो भी यार आप जाके चेकआउट कर लो, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया है दोनों के बारे में क्या क्या इनकी खूबियां हैं, क्या क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलता है,
और एक यार एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूँ, अगर आप इन्हें बाय करना चाह रहे हो कॉलिंग के लिए तो यार बिल्कुल ना बाय करना, माइक क्वालिटी यार बिल्कुल घटिया किस्म की है, तो यार वो इसको इसके लिए बाय मत करना। अगर आपको चाहिए यार गाने वगैरह सुनने के लिए तो यार काफ़ी बेस्ट चीज़ है, और इसकी प्राइस का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है तकरीबन 1000 रुपये से लेके 900 का, जो कि i11 हमें देखने को मिलती है 900 रुपये के अंदर, और जो i12 हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं तकरीबन 1000 रुपये के अराउंड, जो कि यार काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, और मेरे लिहाज से यार ठीक हैं। इतनी प्राइस के अंदर हमें ये चीज़ मिल रही है तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे में बस यार ऑल ओवर बस यही था इनका डिफरेंस, किसी तरह का डिफरेंस है ही नहीं सिवाय केस के। तो बस यार उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।